अस्सलामुअलैकुम। हाय व्यूवर्स, कैसे आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। पिछली वीडियो में जो मैंने बताया था कुर्ती पे डिज़ाइन बनाने के लिए, आज मैं पेंटिंग करने के लिए बताऊंगी। ये देखिए, मैंने फ्लैट ब्रश यूज़ किया है, 2 नंबर और 3 नंबर, और पेंट वाइट कलर, रेड क्रिम्सन, ये दोनों कलर मैंने यूज़ किया है फ्रेंड्स। ये देखिए नज़दीक से, और मेरे पास पिंक कलर नहीं था फ्रेंड, तो मैंने पिंक कलर खुद से बना लिया, लाइट पिंक, जो कि फील करूँगी रोज़ में, आप वीडियो में देख सकते हो। वाइट कलर और रेड कलर, थोड़ा सा हल्का सा रेड मैंने लिया, वाइट ज़्यादा लिया है, और उसे मैं फील करूँगी। आप भी बना सकते हो इसी तरह से, अगर आपके पास, कोई ज़रूरी नहीं कि आपके पास कलर नहीं हो, लाइट कलर आसानी से घर पे आप बना सकते हो, एक कलर से दूसरे कलर मिलाकर। मैं इस तरह की भी वीडियो आप लोगों को बनाऊंगी, अगर आप लोग कमेंट सेक्शन में बोलेंगे तो कभी मैं बनाकर बता दूंगी कि किस किस तरह से कलर का कॉम्बिनेशन और किस तरह से कलर बनाया जा सकता है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस तरह से रोज़ के फ्लावर को मैंने फील कर लिया लाइट पिंक से। मैं पूरा तो फील नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि अभी गर्मी का टाइम है तो सूखने का डर है, इस वजह से मिक्स करने में परेशानी होगी। इस तरह से फिर हम रेड कलर देंगे, रेड कलर देकर हम शेड देंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि पूरा देखिएगा तभी समझ में आएगा। ये देखिए, मैंने रेड कलर से नीचे की ओर से शेड दिया, फिर ऊपर की ओर से मैं इसे वाइट कलर से शेड दूंगी। ये साइड साइड में रेड की आउटलाइनिंग भी देना ज़रूरी है, तो उससे ज़्यादा खूबसूरती बढ़ती है फ्लावर की। वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर लीजिए, क्योंकि आपकी एक लाइक मुझे अच्छी वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करती है फ्रेंड्स। चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हो तो, और फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कर दीजिए। इस तरह से हम शेड देंगे और थोड़ा रेड को मिक्स करते जाएंगे, मिक्स करते हुए, कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम लग रहा है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पे वाइट देने के बाद वो पूरा बैलेंस हो जाएगा फ्रेंड्स, मिक्स हो जाएगा, फिर खूबसूरती देखने बनने के बाद ज़्यादा ही खूबसूरत लगने लगेगा। ये देखिए, फिर मैंने वाइट से ऊपर से शेड दिया, और साइड साइड में आउटलाइनिंग भी देते जाना है, उससे और ज़्यादा खूबसूरती बढ़ेगी। मैंने जो कल वीडियो अपलोड किया था, एक शॉर्ट वीडियो फ्रेंड्स, इसके बैक साइड का मैंने बनाकर दिखलाया था, वो मैं बनाते हुए तो नहीं ले पाई थी, मैंने जब तैयार कर लिया था तो उसके वीडियो मैंने दिखलाया था, आप लोगों को शेयर किया था, तो बहुत से लोगों ने, कई लोगों ने मुझे कमेंट किया कि मुझे फुल वीडियो दिखाइए, इसकी पेंटिंग करते हुए बताइए। तो फुल वीडियो तो पॉसिबल नहीं है, मैं सभी फ्लावर्स और लीफ को तो एक बार में मैं पेंट करके नहीं बता सकती, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इस वजह से मैं एक एक फ्लावर और लीफ वगैरह को मैं कंप्लीट करके मैं दिखलाऊंगी, कई पार्ट्स में आप लोगों को वीडियो बनाकर शेयर करूंगी आप लोगों के बीच, तो आप लोग देखोगे फ्रेंड्स। तो ये देखिए, इस तरह से हमने रोज़ को बनाया। मैंने कल वाले वीडियो में जो डिज़ाइन दिखलाया था फ्रेंड्स, वो जो शॉर्ट वीडियो में जो मैंने डिज़ाइन दिखलाया था, वो इसे छोटा ही डिज़ाइन मैंने बनाया है, ये फुल डिज़ाइन है और वो छोटा ही डिज़ाइन है, सिर्फ रोज़ और दो फ्लावर्स और लीफ हैं, लेकिन इसमें मैंने पूरी छपाई की थी डिज़ाइन, और वो जो पहले वीडियो अपलोड किया था शॉर्ट वीडियो के पहले, तो उसमें मैंने फुल डिज़ाइन बनाने के लिए बताया था कि किस तरह से ड्रा किया जाता है, उसी की पेंटिंग करके मैं फुल थोड़ा थोड़ा पार्ट पार्ट करके आप लोगों को बताऊंगी।
आज मैंने रोज़ बताया है, कल फिर मैं और आगे इंशाल्लाह ताला दोनों फ्लावर्स को बताऊंगी पेंटिंग करने के लिए, वो दूसरे फ्लावर जो हैं, इसी तरह से लीफ की भी बताऊंगी मैं पेंटिंग करने के लिए। तो आप लोग ज़रूर देखिएगा फ्रेंड्स, और मुझे कमेंट करके बताइएगा भी। कुर्ती पे जो मैंने डिज़ाइन छापने के लिए और बनाने के लिए ड्रा करने के लिए बताया था, और भी कई इसे शॉर्ट वीडियो जो दिखलाया था, वो सब आप लोगों ने अगर नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, आप जाकर देख सकते हो फ्रेंड्स। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़, बाय।